तो मैंने अपनी तरफ से ये ट्वीट किया कि मैं और मेरा परिवार, हम भी श्री राम जी के कुश जो उनके बेटे थे उनके वंशज हैं, और हमारे अलावा भी विश्व में बहुत सारे और भी हैं जो श्री राम जी के वंशज हैं। और बिल्कुल बहुत ही गर्व की बात है ये कि आप श्री राम जी से अपना डिसेंट लेते हैं, और बस उसी बेसिस पे मैंने ये ट्वीट किया। इस दावे का आधार क्या है मैम, आप अपने आप जो बिल्कुल मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, कछावा कुशवाहा। अगर आप इसको विकिपीडिया में भी जाएंगे और कछावा टाइप करेंगे तो सीधा उसमें ही आ जाता है कि कहाँ से इनकी वंशावली आई है। और इसके अलावा भी जो हमारा क्लैन है, वो हम लोग हमारा जो ट्रेस करते हैं डिसेंट, वो श्री राम जी से ही करते हैं। और उसकी जो भी दस्तावेज़ है, पोथी खाने में भी मौजूद है, मेरे म्यूजियम में भी है, और उसी बेसिस पे मैंने ये बात कही। और मेरे अलावा ये भी नहीं है कि मैं क्लेम कर रही हूँ, मैं ये जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और जो भी कुछ हमारे पास दस्तावेज है उसके ही बलबूते पे ये बात मैंने रखी है। और मेरे बाद बहुत सारे जैसे राठौड़ हैं, वो अपना लव से लेते हैं डिसेंट, और भी बहुत सारे हैं, ना केवल राजपूत, बहुत और भी हैं जो कहते हैं हम भी श्री राम जी के वंशज हैं। मुझे लगता है बहुत गर्व की बात है, हर एक भारतीय चाहेगा कि हम लोग श्री राम जी के वंशज क्यों ना हो। बहुत ही गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूंगी कि मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए और इस अच्छे काम में देरी ना हो, वही चाहूंगी मैं। और इसमें हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं है। ये मैंने अपना पर्सनल था, सेंटिमेंट था, इसलिए मैंने ये बात रखी। तमाम दस्तावेज तो यही साबित करते हैं आप 308वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम, 309वीं मेरे फादर जी। आप कौन से? उसके बाद लेकिन बिल्कुल ये तो जो भी दस्तावेज आपने देखे हैं वो तो आपके सामने ही। और बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से जो मुझे बहुत बात लगी कि क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा है, तो बिल्कुल मैंने ये बात रखी। हम आपको ये कि जो कोर्ट है वो आधार से